लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। स्वच्छता का नंबर वन खिताब जीतने वाली नवी मुंबई महानगर पालिका प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता मिशन को पलीता लगाने में जुटी है। अंबेडकर नगर रबाले का पंप हाउस इसका बड़ा सबूत है। आज इस आरक्षित जमीन पर MIDC लॉन्चिंग और होटल बना रही है, लेकिन महानगर पालिका है कि इसे रोकने की बजाय तमाशबिन बनी हुई है। जाहिर है कि इस पंप हाउस के नहीं रहने से अंबेडकर नगर के 20,000 घरों के शौचालय का मलबा सड़क पर फैलने वाला है, यानी न स्वच्छता बचेगी न आरोग्य। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 40,000 पब्लिक यहाँ पे रहती है, तो हर एक के घरों में शौचालय बन चुका है। जो भी मलबा है वो बाहर आने वाला है और सबको तकलीफ होएगा। सुनने में ये आ रहा है कि वो पंप हाउस गायब हो गया। जहाँ पे पंप हाउस बनना चाहिए था वहाँ पे पंप हाउस का जगह पे दूसरा कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है। MIDC के लोगों ने प्लाट जो दिया था पंप हाउस के लिए दिया था। यहाँ भी जो सफाई है ये आप लोगों से छुपी नहीं है। प्रशासन को इसके बारे में जिम्मेदारी लेकर उस कुछ ना कुछ नतीजे कदम उठाने जरूरी है। लॉज बनेगा तो एक आदमी का भला हो के फायदा नहीं ना, यहाँ पे 40,000 पब्लिक रहती है। लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, लोगों को स्मेल खराब आएगा, तो लोग बात पूछने लगे कि हमारा शौचालय मलमूत्र कहाँ जाएगा। इधर रास्ते पे जाएगा सेक्टर 5 जो अंडरपास के पास बगल में आप देखेंगे शौचालय बहेगा और कितने लोगों की बीमारी बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और आखिर में हमने RO को चिट्ठी लिखी, CEO को तो लिखी थी उसका जवाब नहीं दिया। आज जिस प्रकार से वो निर्माण कार्य शुरू है पहले तो इसको रोकना चाहिए। ये सारी जिम्मेवारी जो है ये MIDC और कॉर्पोरेशन। MIDC च्या त्या रिजनल ऑफिस मध्ये दलालांचं सुसुलाट आहे आणि तशा प्रकारचे दलालांच्या माध्यमातून जनतेच्या हिताच्या गोष्टींची न त्या ठिकाणी जाण ठेवता अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात। भविष्यकाल मध्ये तुम्हाला माफ करणार नाही। देश की नंबर वन स्वच्छ सिटी का पुरस्कार जीतने वाली नई मुंबई के अंबेडकर नगर रबाले में स्वच्छता का 3-13 होने वाला है। जी हाँ, MIDC ने यहाँ के उस प्लॉट को बेच दिया है जिस पर सीवेज का पंप हाउस बनना था, अब वहाँ होटल और लॉजिंग बन रही है। तस्वीर में दिख रही है वो जगह है जहाँ अंबेडकर नगर के 25,000 घरों के शौचालयों का सीवेज लाइन आकर जुड़ने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जाहिर है इससे घरों के शौचालयों का मलबा या तो सड़क पर बहेगा या खुले गटर में जाएगा। सोचिए इसका अंजाम क्या होगा। PM मोदी के उस स्वच्छता मिशन का क्या होगा जिसके तहत सभी घरों में अनिवार्य रूप से शौचालय बनाए गए थे ताकि स्वच्छता रहे और सेहत सबकी बनी रहे। ऐसे में अब अम्बेडकर नगर के 40,000 रहवासियों की सेहत का क्या होगा। जो मुसीबत उन पर आने वाली है उसका क्या होगा। स्थानीय नेता और पूर्व महापौर सुधाकर सोनाव ने इन्हीं चिंताओं को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, MIDC और महानगर पालिका के उच्चाधिकारियों के सामने चीखते और चिल्लाते आ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय BJP विधायक गणेश नाइक भी इसके खिलाफ विधानसभा में आवाज उठा चुके हैं, फिर भी कहीं से कोई जुम्बिश तक नहीं हो रही। जैसे कि MIDC और महानगर पालिका अधिकारियों ने यह ठान लिया हो कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यकीन के लिए TV1 इंडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। आमचे तत्कालीन महापौर सुधाकर सोनाव ने तिथून त्या टॉयलेट करता MIDC कडे भूखंड मागितला, तो अजून भूखंड तो दुसऱ्याच कोणाला देण्याचा प्रयोजन चाललेला आहे। सार्वजनिक हिताच्या अनुषंगाने महापालिकेला देणं गरजेचं आहे की कुठेतरी दलाली काहीतरी खाऊन खासगी लोकांना देणं गरजेचं आहे। रबाले के अंबेडकर नगर में MIDC ने दो ऐसे प्लॉट बेच दिए हैं जहां पर सीवरेज का पंप हाउस बनना था। अब ऐसे में जो 13 किलोमीटर से यहां पर जो पाइपलाइन सीवरेज की आई है उसका पंप हाउस कहां बनेगा,
और अगर ये नहीं बनता है तो फिर इस पूरे इलाके का जो संडास का मलबा है वो कहाँ जाएगा, ये एक बड़ी समस्या इस वक्त पैदा हो गई है। हमारे साथ अम्बेडकर नगर के बहुत सारे लोग हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर इस तरह का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है तो आने वाले समय में किस तरह की मुसीबत हो सकती है। आपका नाम क्या भाई साहब? अनिल गायकवाड़। बहुत सारे इधर गंदगी के रास्ते पे पूरा कचरा फैलेगा, इससे बहुत स्मेल भी आएगा यहाँ पे, और आजू बाजू इधर सब दुकान दिखान है, इधर इनको दुकान को बहुत फर्क पड़ेगा। अम्बेडकर नगर में तकरीबन हर घर में शौचालय बन चुका है, उसका मकसद ये था कि स्वच्छता रहे और लोग स्वस्थ रहें। अब जो शौचालय बनाया तो क्या सोचकर आपने बनाया था कि इससे क्या फ़ायदा हो? देखो सर, शौचालय जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हर घर घर में शौचालय बनना चाहिए और जैसे स्वच्छ भारत बनना चाहिए और स्वच्छ योगदान आना चाहिए, इसीलिए ये बनाया हुआ था। और जैसे कि अभी 40,000 पब्लिक यहाँ पे रहती है तो हर एक के घरों में शौचालय बन चुका है, मोस्टली तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में शौचालय बन चुका है। तो यहाँ पे पहले कहा था कि पंप हाउस बनेगा, ये जो प्लाट MIDC के लोगों ने प्लाट जो दिया था पंप हाउस के लिए दिया था, तो अभी फिलहाल ऐसे सुनने आ रहा है कि यहाँ पर पंप हाउस नहीं है, कहीं अदर दूसरा कुछ बन रहा है, तो ये गलत है। समझो जब चौकअप हो जाता है, रास्ते पर मलबा आता है तो लोग बीमार गिर जाएंगे, लोगों के घर में लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, लोगों को स्मेल खराब आएगा, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें आजू बाजू में दुकान है, सबको दिक्कतें आ सकती है और जैसे कि घरों में भी चौकअप हो सकता है। मेरे साथ एक और अम्बेडकर नगर का युवा है एंथोनी रंजीरे। रंजीरे, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से मुसीबत आने वाले समय में तुम्हारी नज़र में दिख रही है? हमारे एरिया में जो पाइपलाइन बिछा दी गई है बाथरूम के लिए, जो बिछा दी गई है, लेकिन इसका जो अंत है वो कहीं निश्चित नहीं है, और इसकी वजह से अभी जो हमारे यहाँ पे बाथरूम की लाइन बिछाई ज़रूर गई है लेकिन यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ है, बाथरूम बने नहीं है और उसका अंत कहीं दिख नहीं रहा है, और जो पंप हाउस बनने वाला था वो भी बनकर अभी तैयार नहीं है और उसका कोई निर्णय भी नहीं लिया जा रहा, और जहाँ पे पंप हाउस बनना चाहिए था वहाँ पे पंप हाउस का जगह पे दूसरा कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है। तो अगर ये पंप हाउस का काम होए और कुछ ना कुछ अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या ऐसा लगता है कि अब अगर ये नहीं हो रहा है तो अम्बेडकर नगर के 40,000 रहवासियों के लिए बड़ा संकट है? हाँ, देखा जा सकता है, बराबर संकट होने वाला ही है, क्योंकि अगर ये जो पाइपलाइन बिछी गई है अगर इसमें अगर मलबा जमा रहेगा तो ये जो परेशानी हम सबको भुगतनी पड़ेगी, सबकी तबीयत पर असर ज़रूर पड़ेगा, इसकी वजह से बीमारियाँ फैलेगी, सब फैलेगा, ये प्रशासन को इसके बारे में जिम्मेदारी लेकर कुछ ना कुछ नतीजे कदम उठाना ज़रूरी है। क्या आपको जानकारी है कि नई मुंबई महानगर पालिका ने यहाँ 13 किलोमीटर का ड्रेनेज पाइपलाइन सीवरेज का जो डाला था लेकिन अब उसका पंप हाउस नहीं बन रहा, उसकी ज़मीन किसी और को MIDC ने दे दी, मुसीबत पैदा करेगा? मुसीबत तो बनेगा ही, बहुत साल से हम लोग इधर रहते हैं, साहब ने सोनावने साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये जो नगर पालिका का हमको जो मिलने वाला जो सुविधा है, लेकिन हम लोग जो एरिया में रहते हैं बहुत दिन से हम लोग ये अच्छा एरिया साहब ने बनाया है, लेकिन ये जो ड्रेनेज लाइन का काम लगभग पूरा होने को आया है, लेकिन उसको जो टाकी का जो पंपिंग का जो जगह साहब ने तय किया था वो MIDC ने कुछ गड़बड़ हो गया उसमें, हमको मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि समझो वो चालू हो गया तो हमारा वो पूरा रोड पे आ जाएगा तो हम लोग को इतना दिक्कत होएगी, ऐसे 20-25 साल हम लोग दिक्कत निकाल दिए, लेकिन आज अच्छी तरह से हम लोग ऊपर आने को देख रहे हैं, लेकिन ये बनेगा नहीं तो बहुत तकलीफ होने वाला है, बहुत तकलीफ होएगा एरिया का आदमी लोग को। इस वक्त मैं सिद्धार्थ चौक और जरीमरी रोड पर हूँ, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वही सड़क है जहाँ पर कुछ समय पहले, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले ये सीवरेज की पाइपलाइन बिछाई गई थी, और ये पाइप यहाँ से उतरते हुए, इस पूरे अपर साइड से उतरते हुए उस जगह तक गई है जहाँ पर ये पंप हाउस बनना था। अब आप सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि इसका मकसद ये था कि ताकि ऊपरी हिस्से से अगर पाइपलाइन जाती है तो उसका एक थ्रो मिलेगा और जो घरों से निकलने वाला जो शौच का मलबा है, शौचालय का मलबा है, वो सीधे बिना किसी ज़्यादा मशक्कत के सीधे पंप हाउस तक पहुँचेगा, ताकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा, और जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये मकसद है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत झोपड़पट्टियों में भी शौचालय होना चाहिए, वहाँ के लोग भी स्वस्थ जीवन जीने चाहिए, ये उसी मकसद का एक हिस्सा था और इसीलिए इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। अगर वो पंप हाउस नहीं बनता है तो जाहिर सी बात है ना तो ये इलाका स्वच्छ रहेगा और ना तो लोगों के घर स्वच्छ रहेंगे। इस वक्त मैं कातकरीपाड़ा में हूँ और मेरे साथ हैं एक युवा समाज सेवी। आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह की तकलीफ यहाँ के लोगों को हो सकती है। आने वाले समय में जिस तरीके से महानगर पालिका ने जो ये कार्य किया है इसको देखते हुए लोगों ने कई सपने देखे कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य उज्जवल होंगे, और उसको नस्तनाबूद करने के लिए
MIDC ने प्लानिंग किया है और इसी तहत पंप हाउस को उसने हटाने की कोशिश की, जिसका हम त्वरित विरोध भी करते हैं। और हम ये महानगर पालिका से और MIDC से ये मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द पंप हाउस मुहैया कराए, और ताकि हमारे बच्चों के लिए और इस बस्ती के लिए स्वच्छता का मिसाल कायम हो। जिस तरीके से नवी मुंबई ने दुनिया में देश में पहला क्रम हासिल किया, इसी तरीके से ये हमारा एक खिद्दा नवी मुंबई का एक हिस्सा है रबाले, और इसमें भी कातकरीपाड़ा एरिया में हम लोग खड़े, यहाँ पंप हाउस होना चाहिए, जिसके वजह से यहाँ में सफाई की बढ़ोतरी मिलेगी। ओपन डेफिकेशन जो यहाँ का है, खुले में लोग शौच करते थे, और इसीलिए इस अभियान को आगे बढ़ाया गया कि घरों में शौचालय होंगे, लोग सड़कों पर नहीं जाएंगे, खाली स्थानों पर शौच के लिए नहीं जाएंगे। जब पंप हाउस नहीं रहेगा तो आपको नहीं लगता सड़कों पर फैलेगा? महानगर पालिका ने करोड़ों खर्च करके पाइपलाइन डाला, और इस पाइपलाइन को उन्होंने कहा कि हम वेरीफाइड करके सर्टिफाइड करके हम एक पंप हाउस बनाएंगे, जिसके तहत जो गंदगी होगी वो खींच कर उसको स्टिपिट तक लाएंगे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो पंप हाउस गायब हो गया। महानगर पालिका ने भी कहा कि भाई अभी हमें अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो बिना अलॉटमेंट में काम क्यों हुआ? इसमें भी अगर कोई बात है वो भी निकल के आएगी। और हमारी और यहाँ के लोगों की यही मांग है कि पंप हाउस बहुत जल्दी अलॉट हो, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो रबाले का अम्बेडकर नगर इलाका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा के जरिए कि ये वही जगह है जहाँ पर नवी मुंबई महानगर पालिका ने पंप हाउस बनाने की तैयारी की थी। हालांकि ये ज़मीन जो है, ये भूखंड जो है, वो MIDC की है, और इसलिए MIDC के पास इसका अधिकार था कि वो ज़मीन किसी को भी बेच सकती है, लेकिन इसको आरक्षित किया गया था पंप हाउस के लिए। उसका कारण ये था कि अम्बेडकर नगर की ये जो पूरी बस्ती है, कई जो इलाके हैं प्रभाग 19 और 20 का, यहाँ पर तकरीबन 40,000 लोग रहते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन सभी घरों में, तकरीबन 19 से 20,000 घरों में शौचालय बनाए गए थे। वहाँ से पंप हाउस तक आने के लिए पाइपलाइन भी बिछा दी गई है, लेकिन जहाँ जिस पंप हाउस के जरिए STP प्लांट तक पूरे शौचालय का मलबा जाना था, अब वो पंप हाउस ही नहीं बन रहा, और इस जगह पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो एक प्राइवेट किसी PAP को प्लॉट ये दे दिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर जो 13 किलोमीटर तक ये पाइपलाइन बिछाते हुए यहाँ पर लाई गई है, करोड़ों रुपये उस पर खर्च किए गए हैं, अब उन शौचालयों का मलबा जो यहाँ तक पहुँचने वाला है वो आखिर कहाँ जाएगा? उसको STP प्लांट तक कैसे भेजा जाएगा, जबकि इस प्लॉट पर वो पंप हाउस बनना था? ऐसे में अब महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती थी वहाँ पर पंप हाउस बने, और वहाँ पूरे इस इलाके से जमा हुआ जो शौचालय का मलबा है वो STP प्लांट तक भेजा जाए। अब यहाँ पर कोई ऐसी जगह भी अभी बची नहीं है कि जहाँ पर नया पंप हाउस दिया जा सके या दूसरी कोई जगह MIDC अलाट कर सके। अब यह मुसीबत यह अम्बेडकर नगर और जो आसपास के इलाके हैं यहाँ के उन लोगों के लिए होने वाली है कि अब जब पंप हाउस ही नहीं बन रहा है तो फिर उनके घरों से मलबा निकलकर जो यहाँ तक पहुँचने वाला वो कहाँ जाएगा? अगर ये ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जिस मकसद के लिए ये शौचालय बनाए गए थे वो मकसद भी नाकाम होगा। जी हाँ, अम्बेडकर नगर की यही वो सच्चाई है जिसे खुद MIDC और महानगर पालिका के उच्चाधिकारी भी मानते हैं। अधिकारी यह भी कबूल कर रहे हैं कि आरक्षित भूखंड के सिवा कहीं और पंप हाउस बन ही नहीं सकता है, इसलिए लॉजिंग और होटल को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। जाहिर है, अगर 40,000 लोगों की सेहत और स्वच्छता को बचाना है तो इस पंप हाउस भूखंड पर चल रहे निर्माण को तत्काल रोकने की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक दबाव ऐसा है जिसके चलते MIDC और मनपा के अधिकारी ऐसा करने से बच रहे हैं। उम्मीद है कि पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने की इस मांग पर गंभीर और सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।